अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा सम्मान हार्दिक के द्वारा। हल्की सी लूज फील्डिंग पर कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। दोनों टीमें तगड़ी, बहुत ही अच्छी टीम। યુવક મંડળના પ્રમુખ ભિવંડીના ઘનશ્યામભાઈનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે પાટીદાર પ્રીમિયમ લીગ। દૂસરી ગેંદ લેતે હુએ મિતેશ, અચ્છી ગેંદ, સ્લીપ કે ફિલ્ડ, ફિલ્ડ કરતે તબ તક એક રન આસાની સે મુકમ્મલ કિયા। અપના ભી ખાતા ખોલતે હુએ હાર્દિક ઓર ટીમ કા ભી ખાતા ખોલા એક રન કે સાથ। અભી हैवी बॉडी के रितेश शेगानी जो ठाणा या मुंबई से कोई भी एरिया से पकड़ते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं रितेश शेगानी। मितेश तीसरी गेंद लेते हुए, अच्छी गेंद थी पर थोड़ा लेफ्ट को छोड़ते हुए और एम्पायर का दोनों ही हाथ हवा में फैलाते हुए वाइट रन। एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर पहुंचता हुआ दो रन। कोई विकेट का नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। सेकंड सेमीफाइनल राइजिंग स्टार घाटकोपर वर्सेस थाना पाटीदार थाना के सलामी बल्लेबाज रितेश शेगानी। मितेश अच्छी गेंद, अच्छी ड्राइव ऑफसाइड में, फिल ने लूज फील्डिंग करते हुए बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के पास, वहां से फील्ड फिल करते तब तक आसानी से दूसरा रन चुराना चाहते थे। रन आउट का चांस है, देखते क्या होता है, नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं, कुछ नुकसान नहीं। दो रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ चार रन। बजाओ डीजे। अमू काका अच्छी गेंद को कवर में मारते हुए चार रनों के लिए चौका। चार रन के साथ स्कोर आठ रन चार गेंदों पे। मितेश अच्छी गेंद डालते हुए, मितेश और एक हवा में, फील्डर नीचे, देखते क्या कर पाते, कुछ कर नहीं पाए। एक जब तक फील्ड फील्ड करते तब तक एक रन आसानी से चुरा लिया। एक रन के साथ स्कोर नौ रन, कोई विकेट नहीं। पांच गेंदों पे हल्की सी वापसी मितेश के द्वारा। पिछली गेंद में कवर ड्राइव पे चौका गया था, उसके बाद हल्की सी वापसी करते हुए मितेश अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के लिए भी पहला ओवर। अच्छी गेंद, हार्दिक कुछ समझ ही नहीं पाए, बाकी का काम कीपर ने पूरा किया। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है नौ रन, कोई विकेट के नुकसान पर नहीं, लॉस ऑफ जीरो। सागर भाई चाय पी ली थी हो तो आवजो ने। आगनो मारा जेवो अवाज सांभळवा माटे हूँ निवेदन करीश सागर भाई ने उर्फ लक्की। पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले, एक ओवर की समाप्ति के बाद नौ रन और यहां पर बॉलिंग पावर प्ले ले लिया है। बॉलिंग पावर प्ले पे आएंगे ऋषभ, सामना करेंगे रितेश का। अब
और यहां पे लंबा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन बीट होते हुए रितेश भाई। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए ऋषभ। और ये ऑफसाइड घुमाने की कोशिश, लेकिन फिर से बीट होते हुए यहां पे रितेश भाई। ऋषभ काफी अच्छे ऑलराउंडर है राइजिंग स्टार घाटकोपर के। और ये तीसरा डॉट यहां पर नहीं, अपील की गई और ये विकेट गिरता हुआ यहां पे रितेश के नाम पर पहला विकेट। बहुत ऊंचे दर्जे के बैट्समैन है, सीजन में मिड डे कप में कचकड़वा पाटीदार की टीम में खेलते हैं। आते ही सम्मान दिया गेंद को और एक रन से खाता खोलते हुए यहां पर अपना बड़ी तेजी से दौड़ते ऋषभ, सॉरी हार्दिक और तेजस। ऑफसाइड घुमा दिया यहां पर दोनों फील्डर के बीच से निकलती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, ये पाटीदार चौका। सामना करेंगे ऋषभ का, और यहां पर एज लगी ऑफ साइड में और एक रन चुरा लिया आसानी से। इसी तरह दो ओवर की समाप्ति के साथ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर थाना पाटीदार। राइजिंग स्टार घाटकोपर ने टॉस जीतकर यहां पर थाना पाटीदार को आमंत्रित किया है बैटिंग के लिए। देखते हैं कितना बड़ा टारगेट बनाती है थाना, जिनको चेस करने के लिए राइजिंग स्टार ने उन्हें आमंत्रित किया है। नए गेंदबाज तेजस, और ये ऑफसाइड घुमाने की कोशिश, लेकिन बीट होते हुए यहां पर हार्दिक। काफी तेज तरार गेंद तेजस की यहां पर, बहुत हवा और इस बार फिर से बीट होते हुए हार्दिक तेजस का सामना करते हुए। तेजस एक्सप्रेस जैसी बोलिंग करते हुए तेजस यहां पर दोनों बॉल डॉट होते हुए
दोनों गेंद ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी हार्दिक ने, लेकिन चूके बैट को कनेक्ट नहीं कर पाए। और इस बार कनेक्ट हो चुका है और वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर चौको। और इस बार स्टंप पे डाली थी गेंद, ड्राइव कर दी वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन नहीं, फील्डर को चीरती हुई गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर और एक चौका है, पाटीदार चौका चोगो। यहाँ पर थोड़ी फील्ड सजाते हुए कप्तान निकुंज। और इस बार फिर से ड्राइव कर दिया वहां पर, लेकिन इस बार फील्डिंग करेंगे, लेकिन तब तक दो रन आसानी से चुरा लेंगे। ये बैटिंग में तेज तरार तेजस की रनिंग और हार्दिक की रनिंग बिटवीन द विकेट्स एक को डबल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे रन रेट अपने आप पर डबल होती जाती है। इसे ऑफसाइड घुमा दिया है, लेकिन इस बार फील्डर नहीं रोक पाएंगे क्योंकि फील्डर लॉन्ग खड़े थे। और एक चौका, ये पाटीदार चौका। आते हुए यहाँ पर भाविन, भाविन बॉलिंग करता हुआ तो हाथ ऊंचा करे, सामना करेंगे उनका तेजस एक नई फील्ड के साथ। यहाँ पर तीन ओवर की समाप्ति के साथ 29 रन। और आते ही हल्का सा कट कर दिया वहां पर, एक रन देकर हार्दिक को स्ट्राइक देते हुए यहां पर तेजस काफी सूझबूझ से खेलते हैं और इस बार ऑफ साइड में न घुमाते अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, एक एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ यहां पर थाना को। और ये घुमाने की कोशिश ऑफसाइड पर, लेकिन इस बार से फिर से बीट होते हुए यहां पर हार्दिक। और ये वाइड की अपील, यहां पर अंपायर ने वाइड गेंद करार दिया है। हवा के साथ बॉल वाइड जाती हुई यहां पर। फिर से डालनी होगी ये गेंद भाविन को। इस बार कट कर दिया, लेकिन वहां थोड़ी मिसफील उड़ती हुई, वहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ चुके, तीसरे की मांग करते हुए, लेकिन वहां पर बैट्समैन ने नाक कह दी और दो रन से संतुष्ट थाना पाटीदार।
दो रन से आगे बढ़ते हुए यहां पर 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार कट कर दी वहां पर, फील्डर थोड़े वाइड खड़े थे और ये सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, पाटीदार चौका, चौका। और इस बार लेग साइड पर वाइट करार देंगे अंपायर और एक अतिरिक्त गेंद डालनी होगी भाविन को यहां पर। ओ वापस बीट होते हुए यहां पर हार्दिक, और एक डॉट बॉल यहां पर, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर भाविन के द्वारा। इसी तरह ओवर की समाप्ति के साथ 39 रन एक विकेट के नुकसान पर, चार ओवर की समाप्ति 39 रन लॉस ऑफ वन विकेट। नए गेंदबाज ऋषभ अपनी कोटे का दूसरी ओवर डालते हुए सामना करेंगे तेजस। और ये सीधा घुमा दिया है यहां पर, देखते कैच छूटता हुआ यहां पर उमंग के हाथ से। काफी अच्छे खिलाड़ी है उमंग। और ये ऑफ साइड पे घुमा दिया है वहां पर फील्डर मितेश तैनात, एक रन से ज्यादा नहीं देंगे। और इस बार सीधा मारा है वहां पर, उमंग दौड़ पड़े थे लेकिन थोड़ा लंबा और सीमा रेखा के बाहर, पाटीदार चौक।
यहाँ पर थोड़ी फील्डिंग सजाते हुए तेजस के लिए ऋषभ पहले रन से गेंदबाजी करते हुए। जरा बटन दब गया। और ये फुल टॉस गेंद सीधी मैदान के बाहर पुराने रसोड़े के पास, गेंद गायब और ये पाटीदार। और गेंद वापस आती हुई ऋषभ सामना करेंगे तेजस का। और इस बार ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया है, वहां पर फील्डर मितेश मौजूद। और इस बार घुमा दिया है लेग साइड पर, वहां पर फील्डर मौजूद यशवंत, काफी चुस्त फील्डर, एक रन से ज्यादा नहीं देंगे। और यहां पर ऋषभ की ओवर की समाप्ति के साथ 5 ओवर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर थाना पाटीदार आगे बढ़ती हुई। थाना पाटीदार ने 6ठे ओवर में और पावर प्ले के लिए आ रहे हैं गेंदबाज मितेश अपने कोटे का दूसरा ओवर डालते हुए। और बड़ी अच्छे से फील्डिंग सजाते हुए और काफी बड़ा रन अप लेते हैं। बड़ा लंबा रन अप लेते हैं मितेश। और ये ऑफ साइड घुमा दिया है, वहां पर फील्डर के ऊपर से निकलती हुई गेंद और वहां पर फील्डर ने रेस लगाई थी, देखते हैं यहां पर बाउंड्री रोकने में सफल रहे। और 2 रन से नहीं रोक पाएंगे, 2 रन अपने टीम का बचाते हुए। यहाँ पर राइजिंग स्टार के खिलाड़ी मितेश पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार लेग साइड पे घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मितेश यशवंत डायरेक्ट थ्रो करते हुए कीपर के हाथ में, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे ये दोनों तेज रनर को। और ये 2 रन से आगे बढ़ते हुए 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पर।
और ये यहाँ पर घुमा दिया है ऑफसाइड पर, लेकिन वहां पर फील्डर खड़े सीधे फील्डर के हाथ में और हार्दिक का यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। और 57 रन दो विकेट के नुकसान पर थाना पाटीदार नए बैट्समैन आते हुए रौनक दीवाणी भीमाणी। और यहां पर कट कर दिया है, वहां पर तेजी से दौड़ लगा ली तेजस ने और आसानी से रन चुरा लिया वहां पे। आसानी से कट करके रन के लिए दौड़ पड़े तेजस, बड़ी सूझबूझ से बैटिंग करते हुए यहां पर दोनों बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट करते हुए और एक खराब गेंद का इंतजार करते हुए। और यहां पर ऑफसाइड मारने की कोशिश, लेकिन बीट होते हुए तरह छठे ओवर की समाप्ति के साथ 59 रन दो विकेट के नुकसान पर नए गेंदबाज उमंग अपनी टीम को एक विकेट दिलाने के लिए आ चुके हैं। उमंग नई उमंग लेके सामना करेंगे तेजस। और इलो फुलडोज ऑफ साइड पे घुमा दिया, यहां पर दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और ये आसानी से निकाल लेंगे। बाज की नजर चीते की रफ्तार और तेजस की रफ्तार पर संदेह नहीं करते, पलक झपकते ही रन भाग लेते हैं। और इस बार हिट करना चाहते थे लेकिन एज लगकर सीधे बॉलर के हाथ में कोई रन नहीं। और ये ऑफसाइड में कट कर दिए, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, दोनों के बीच से निकालने की कोशिश लेकिन नहीं निकल पाया बॉल और एक रन से संतुष्ट। रौनक और तेजस थाना पाटीदार का भार संभालते हुए यहां पर और ये लो फुलडोज गेंद काफी ऊंची गई है, लेकिन देखते हैं कितनी लंबी जा रही है। और ये पाटीदार छक्का, छगो
इस बार लेग साइड पे ऑफ फुल टॉस गेंद दी और ये सीधी मैदान के बाहर, बॉल को टाटा बाय बाय करते हुए पाटीदार छक्का छक्का। की जाए और इस बार घुमाने जाते थे लेग साइड पर, लेकिन बीट होते हुए और इसी तरह ओवर की समाप्ति के साथ 74 रन दो विकेट के नुकसान पर, 74 रन दो विकेट सात ओवर की समाप्ति के साथ। यहां पर अंपायर जरा समय का ध्यान रखे और प्लेयर से टाइम का नए गेंदबाज आ रहे हैं भाविन अपने कोटे की दूसरी ओवर डालते हुए। और इस बार आते ही शॉट लगा दिया है सीधा लेग साइड पर और ये गेंद को छक्का मार दिया है पाटीदार छक्का छक्को। और ये जबरदस्त फुल टॉस गेंद में वापस लगा दिया है वही जगह पर दूसरा छक्का छक्को। यहां पर बॉल घुमाने का यह रिकॉर्ड बनाते हुए तेजस वहां पर अपील होती हुई और अंपायर का क्या इशारा आता है। यहां पर विकेट गिरता हुआ तेजस का यहां पर भाविन को विकेट मिलता हुआ तेजस के नाम पर। नए गेंदबाज नए बल्लेबाज आते हुए राहुल आखिरी के कुछ गेंद खेलने के लिए सामना करेंगे भाविन का। और ये मारना चाहते थे राहुल लेकिन बीट होते हुए और ये भाविन की जबरदस्त वापसी इस ओवर में दो छक्के खाने के बाद एक विकेट मिलता हुआ और एक डॉट निकालते हुए। और इस बार फिर से लेग साइड पर गेंद डाली थी वहां पर फील्डर मौजूद और इस बार दूसरा विकेट मिलता हुआ राहुल के नाम पर।
और आते ही घुमा दिया सीधा, काफी ऊंचा और लंबा छक्का मार दिया यहां पर आते ही दिलीप भाई ने। आखिरी गेंद पर छक्का मारकर इस इनिंग को खत्म किया है और ये पाटीदार छक्का छक्को। टू रन बनाए हैं थाना पाटीदार ने और 93 का टारगेट दिया है। गया छे स्ट्राइक ले से ऋषभ, नॉन स्ट्राइक पर उमंग ने थाना पाटीदार ना स्ट्राइकर बॉलर अनिल भाई पहली ओवर नाखता। अहिया घाटकोपर ना समय कल्याण नगरी एंट्री और ये लेग साइड पे हल्के हाथ से खेल लिया है, वहां पर एक रन से खाता खोलते हुए ऋषभ अपना और अपनी टीम का। अनिल भाई काफी जाने माने खिलाड़ी, और इस बार स्टंप पे डाल दिया है, वहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए, एक रन निकाल लिया वहां पर। एक रन से आगे बढ़ते हुए राइजिंग स्टार दो रन। और ये लो फुल टॉस गेंद, यहां पर हल्की सी मिसफील्ड होती हुई और पीछे दोनों फील्डर मौजूद बैकअप के लिए। दो रन निकाल लिए यहां पर ऋषभ ने। ये आप देख सकते हैं कपिल भाई, सेमीफाइनल का प्रेशर यहां पर, अच्छे फील्डर से यहां पर मिसफील्ड होती हुई। सही बात है।
और ये ऑफ साइड पर कट कर दिया है वहां पर, तेजी से एक रन डायरेक्ट हिट यहाँ पर अपील अंपायर से, लेकिन उमंग आसानी से अंदर घुस गए थे। और ये प्लेट कर दिया है वहां पर उमंग ने, और एक रन निकाल लेंगे यहां पर। अनिल भाई और इस बार लेग साइड पर घुमा दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, पाटीदार सिक्सर चगो। नए गेंदबाज आ चुके हैं, दिलीप लिंबाणी सामना करेंगे उमंग। यहां पर कोई पावर प्ले नहीं लिया है, आते ही सीधा ब्लॉक हॉल पे, एक रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे राइजिंग स्टार। और ये एक रन से आगे बढ़ते हुए 13 रन, और इस बार रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाय, एक रन चुराते हुए यहां पर बैट्समैन ऋषभ। और इस बार सीधे बॉडी लाइन पर एक रन, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे दिलीप भाई, काफी खतरनाक गेंदबाज। और इस बार बाहर निकलने के मारने की कोशिश, लेकिन यहां पर बैट्समैन को नहीं लिए ओवर थ्रो, और एक रन चुरा लिया यहां पर, 2 रन निकाल लिया ऋषभ ने। मारना कहां था, लग कहां गया और कहां गई गेंद, निकल गए 2 रन यहां पर, हो गया मोए मोए। और मारना चाहते थे लेकिन इस बार डॉट गेंद, कंफ्यूज हो गए बैट्समैन, लगता है ये पिछले बॉल का असर था। और इस बार ऑफ साइड पर घुमा दिए गेंद, वहां पर फील्डर से मिस होती हुई, लेकिन पीछे फील्डर राहुल तैनात, और एक रन से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे अपने टीम के 3 रन बचाते हुए राहुल। और इस ओवर की समाप्ति के साथ 18 रन बिना कोई नुकसान के, दो ओवर की समाप्ति यहां पर, देखते हैं तीसरी ओवर डालने के लिए आए हैं अनिल भाई वापस, और पावर प्ले लिया गया है, बॉलिंग पावर प्ले यहां पर लिया है अनिल भाई ने। अनिल पटेल ने यहां पर
फिर से पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए आ गए हैं। देखते हैं इस पावर प्ले में क्या होता है। ऋषभ इस टूर्नामेंट में काफी हद तक अभी तक अच्छा खेले हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्रैम्प आता हुआ लग रहा है। अनिल भाई यहाँ पर फर्स्ट एड जरा पहुंचा है जल्दी। अनिल भाई शब्द में ध्यान दीजिए। अनिल भाई कल्याण नगरी एंड से बॉलिंग करते हुए और इस बार लेग साइड पर घुमा दिया है लेकिन ऊपरी एज लगती हुई और वहां पर कैच मिलता हुआ अनिल भाई को। इतनी बड़ी इंजरी के बावजूद भी देख सकते हैं आसानी से विकेट ले ली अनिल भाई ने। यहाँ पर काफी जोश से भरे हुए हैं खिलाड़ी, ये कैच करने वाले खिलाड़ी जयंत बाथानी, नए बैट्समैन निकुंज। कैप्टन अब आ चुके हैं मैदान पर, बर्थडे बॉय आज क्या गिफ्ट देते हैं अपने टीम को देखते हैं। यहाँ पर आर्य ऑफ साइड पर घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, सीधा थ्रो करते हुए वहां पर, लेकिन उमंग भागने में काफी तेज, एक रन चुरा लिया वहां पर। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। और इस बार आगे आके मारने की कोशिश लेकिन बीट हो गए और ये डॉट गेंद, कोई नुकसान नहीं कोई फायदा नहीं।
और इस बार और एक बार मारने की कोशिश ऑफ साइड पर, लेकिन फिर से बीट होते हुए। कौन कहेगा ये बॉलर इंजर्ड था, अभी वही लय में वापस आ चुके हैं। क्या मालूम कौन सी गोली दी डॉक्टर ने, वापस घोड़े जैसे हो गए। 47 इयर्स की उम्र है इनकी। और ये कट कर दिया ऑफसाइड पर, वहां पर रन आउट का मौका, देखते हैं अपील की है। और यहां पर निकुंज रन आउट होते हुए, बड़ी विकेट मिलती हुई यहां पर और यहां पर LBW की अपील, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। और इसी तरह अनिल भाई की दूसरे ओवर की समाप्ति के साथ यहां पर अनिल भाई अपनी कोटे की दोनों ओवर खत्म करके वापस आते हुए यहाँ सीधे कमेंट्री बॉक्स पर आए, इनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। थोड़ी चाल में फर्क है, सीधी की जाए। और तीन ओवर की समाप्ति के साथ 20 रन 2 विकेट। नए गेंदबाज दिलीप लिंबाणी अपने कोटे की दूसरी ओवर करते हुए। और इस बार घुमा दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद, देखते हैं भरत भाई कैच कर लिए। और लागू पग में माथा नहीं दवा थाय छे, आरोग नहीं आवे। और नए बैट्समैन आ चुके हैं यहाँ पर, अनीश राइजिंग स्टार को आगे बढ़ाते हुए दिलीप भाई। और ये घुमा दिया यहाँ पर लेग साइड पर, लेकिन एक रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। और इस बार हल्की सी यहां पर लेग बाय का इशारा अंपायर का, एक रन से नहीं रोक पाए दिलीप भाई। एकदम छोटा सा रन अप लेते, और वापस अंदर आके खेलने की कोशिश। वहां पर फील्डर मौजूद, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन आसानी से पहुंच जाएंगे उमंग। कीपिंग के लिए आ चुके हैं हार्दिक।
और यहां पर घुमाया ऑफ साइड पर, वहां पर नीरज मौजूद, देखते हैं राहुल के हाथ पर गेंद, एक रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। बैट्समैन उमंग, सामना करेंगे अनीश दिलीप भाई का, कल्याण नगरी एंड से बॉलिंग करते हुए। और ये फ्लाइट फुलटॉस दे दिया, वहां पर भरत मौजूद, भरत कभी छोड़ते नहीं और इस बार भी नहीं छोड़ेंगे, और एक विकेट मिलता हुआ यहां पर। के नुकसान पर 24 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर। अभी अगले 24 गेंदों में यहां पर 69 रन करने हैं राइजिंग स्टार को फाइनल में आने के लिए। 24 गेंदों में 69 रन और उनकी विकेट बची है 6। नए बैट्समैन आए हैं यशवंत भावाणी। नए गेंदबाज जितेश सांकला, जितेश स्ट्राइक पे है, उमंग एंड चेंज होता हुआ यहां पर। अब गेंदबाजी होगी पवेलियन एंड से, यहां पर ग्राउंड घूमता हुआ वैसे ही, अब थोड़ी हवा की रुख भी बदलेगी और देखते हैं राइजिंग स्टार को जीतने के लिए उनकी रणनीति भी चेंज करनी होगी। अंपायर थोड़ा ध्यान रखे टाइम का, और आते ही घुमा दिया है यहाँ पर उमंग ने, और वहां पर फील्डर मौजूद तेजस दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस बार रन आउट का मौका था, लेकिन यहाँ पर 2 रन निकाल लिए। यहाँ पर विकेट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को गेंदबाज जितेश, और एक जीवन दान मिलता हुआ दोनों में से एक बैट्समैन को। और इस बार घुमा दिया ये आसमानी टोला, लेकिन यहां पर देखते हैं फील्डर पहुंचते हैं कि नहीं, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े वहां पर, और 2 रन वहां पर निकाल लिया उमंग ने और यशवंत ने यहां पर। इसके बाद फाइनल खेलनी है, समय का अभाव है, प्लेयर से विनती थोड़ा जल्द से जल्द खेले। अंदर आके घुमा दिया यहां पर, देखते हैं बाउंड्री के पार जाता है कि नहीं, लेकिन पार कर लिया यहां पर, और पाटीदार सिक्सर छगो।
इस बार घुमा दिया सामने, देखते हैं एक रन से ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे। उमंग ओपनिंग से आए, अब तक खड़े हैं ग्राउंड पर। थोड़ा जल्दी करें, और एक वाइड गेंद यहां पर। और इस बार घुमा दिया, वहां पर फील्डर मौजूद, और जबरदस्त फील्डिंग वहां पर रितेश की। बॉल को झपट लिया वहीं पे ही, तीन रन बचाते हुए अपने टीम के यहां पर जितेश की गेंद में रितेश। क्या कॉम्बिनेशन है, जबरदस्त। 38 रन से आगे बढ़ते हुए यहां पर राइजिंग स्टार। और ये शॉर्ट गेंद पर घुमा दिए सीधी मैदान के बाहर, पाटीदार छक्का। छगो अगली बार इसी तरह ओवर की समाप्ति के साथ 5 ओवर 44 रन 4 विकेट। नए गेंदबाज रौनक सामना करेंगे यशवंत। और ये ऑफसाइड घुमा दिया है, वहां पर दोनों फील्डर के बीच से निकलती हुई गेंद, देखते हैं रितेश पकड़ लेते हैं। और रितेश की वहां पर तेज रनिंग और जबरदस्त फील्डिंग देख सकते हैं आप। थोड़े भारी भरकम खिलाड़ी है लेकिन भागने में जरा भी नहीं छूटते, और फिर से 3 रन बचाते हुए अपने टीम के यहां पर। और इस बार फिर से घुमाया है, वहां पर फील्डर मौजूद हार्दिक, ऊपर से निकल जाएगी गेंद और ये पाटीदार चौका। चोगो पर घुमा दिया है, वहां पर दोनों फील्डर के बीच में, लेकिन देखते हैं इस बार भरत भाई क्या करते हैं। और ये भरत भाई का जबरदस्त यहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन, और अपने टीम के 2 रन बचा लिए। यहां पर अंपायर का इशारा आता है 2 रन, ये उमर भी मी ठेकड़ा मार रहे हैं भरत भाई, बड़ी बात है। और इस बार सीधा मारा है, देखते हैं इस बार कूदने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। सीधा सीमा रेखा के बाहर, पाटीदार सिक्सर। छगो
थोड़ा जल्दी करेंगे, अंपायर ध्यान रखे, फाइनल बाकी है, यहाँ पर फोकस की सुविधा नहीं है, फाइनल खेलना है अभी। और आगे आके मारने की कोशिश, लेकिन इस बार बीट होते हुए और ओवर पची ऋषभ भाई। और इस बार ऑफ साइड पर घुमाइए, वहां पर भरत भाई मौजूद, आराम से पकड़ लेंगे और एक रन से ज्यादा नहीं। इसी तरह छह ओवर की समाप्ति के साथ 59 रन, चार विकेट के नुकसान पर अभी आखिरी 12 गेंदों में। चौतीस रन चाहिए आखिरी के 12 गेंद, और रन बनाने हैं 34। यहाँ पाटीदार प्रीमियर लीग सीजन वन, हाँ भाई, 2024 बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है। पाटीदार प्रीमियर लीग सीजन वन 2024 आ कार्यक्रम ना दाताश्रीओ, मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल ना दाता अशोक नारायण लिंबाणी, तेमज मैन ऑफ द मैच सेमीफाइनल टू ना दाता राजेश भाई मनसुख भाई पाचाणी, मैन ऑफ द मैच फाइनल ना दाता मणिलाल वालजी भाई लिंबाणी, बेस्ट बैट्समैन ना दाता कांतिलाल हरजी भाई दोड़ू, बेस्ट बॉलर ना दाता छाबैया बॉयज, मैन ऑफ द सीरीज ना दाता रतन सिंह करसन दीवाणी, रनर्स अप कप ना दाता क्रिएटिव ग्रुप अने विनर्स कप ना दाता आनंद गोल्ड, बधा दाताश्रीओनो आयोजन समिति तरफ तरफथी खूब 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 आभार, धन्यवाद। और यहां पर लेग साइड पर घुमा दिया है, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड होती हुई, लेकिन यहां पर दूसरा रन चुरा लिया उमंग ने, जबरदस्त रनिंग यहां पर पहली ओवर से आए हैं, क्या जबरदस्त स्टेमिना है इनका, उमंग का पूरा भार उनके ऊपर। ग्यारह गेंदों में 32 रन चाहिए। और यहां पर अपील, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं, और बीट होते हुए यहां पर उमंग, काफी जोर से घुमाया था बैट लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। इस बार वाइड गेंद फिर से डालनी होगी नीरज को, इस गेंद को और इस बार लेग साइड पर कीपर भी नहीं पकड़ पाए, लेकिन अंपायर का इशारा यहां नो बॉल फुल टॉस का, और ये फ्री हिट मिलता हुआ यहां पर यशवंत को, देखते हैं क्या फायदा उठाता है यशवंत, यहां पर बीमर गेंद थी। आगे आके घुमाने की कोशिश यशवंत ने की, वहां पर फील्डर मौजूद, देखते हैं रन आउट का मौका हो सकता था, लेकिन काफी तेजी से दौड़ गए यशवंत, एक रन निकलता हुआ इस फ्री हिट पर।
ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। 9 गेंदों में 28 रन। और ये घुमा दिया है सीधा, काफी ऊंचा है गेंद, लेकिन यहां पर बाउंड्री के बाहर, कवर नहीं कर पाएंगे। और ये पार्टी थैंक यू डीजे। आगे आगे घुमा दिया ऑफसाइड पर, वहां पर दोनों फील्डर मौजूद, देखते क्या होता है। दोनों टकरा गए लेकिन गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया, और वहां पर अंपायर का क्या डिसीजन आता है, विकेट है यहां पर, कैच। कैच वहां पर राहुल ने कैच किया है, दोनों टकरा गए लेकिन आसानी से। सात गेंदों में अब 22 रन की आवश्यकता यहां पर थाना पाटी दर्श को। यहां पर अभी विकेट गिरा उमंग का, जिन्होंने 24 गेंदों में 47 रन बनाए थे। बड़ी विकेट गिरी यहां पर उमंग की। और यहां पर आ गया आके मारने की कोशिश, लेकिन हल्की सी कट लगी, बैट को कनेक्ट नहीं कर पाया पूरा। और इसी तरह ओवर की समाप्ति के साथ राइजिंग स्टार के 71 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अब उनको 6 गेंदों में 22 रन करने हैं। और लास्ट ओवर लेके आएंगे, 24 गेंदों में 43 रन बनाए थे उमंग ने। और इस नीरज की ओवर में काफ़ी बड़ी मछली नीरज ने अपने जाल में फंसाई, और थाना पाटीदार का पलड़ा भारी करते हुए यहां पर अब देखते हैं इनके जाबाज खिलाड़ी जितेश। आखिरी के 6 गेंद 22 रन। आते ही आगे घुमा दिया है यहाँ पर यशवंत ने पहले ही गेंद में, दूसरे रन के लिए दौड़ेंगे लेकिन नहीं, यहाँ पर हाना करते हुए निकल गए। पर यहाँ पर दिलीप भाई ने कोई थ्रो नहीं किया, और 2 रन देते हुए 5 गेंदों में अब 20 रन की जरूरत। बैट्समैन यशवंत भावाणी मैच को और भी रोमांचक बनाने के लिए यशवंत को ये गेंद में कुछ करना होगा। और इस बार ऑफसाइड में घुमा दिए वहां पर नीरज मधुर, लेकिन कैच छूटता हुआ यहां पर, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। अब 4 गेंदों में 19 रन चाहिए राइजिंग स्टार को फाइनल में शामिल होने के लिए। आगे आके घुमाइए, इस बार कीपर के ऊपर से निकल गई, वहां पर रितेश मौजूद, थ्रो किया डायरेक्ट हिट, और यहां पर यशवंत का विकेट गिरता हुआ।
अब आखिरी के तीन गेंदों में उन्नीस रन चाहिए। आते ही घुमाने की कोशिश, लेकिन यहां पर बीट होते हुए मितेश। और अब आखिरी के दो गेंद 19 रन चाहिए, जो कि मुश्किल लग रहा है। आगे आके मारने की कोशिश, लेकिन फिर से बीट होते हुए यहां पर मितेश। अब आखिरी के एक गेंद में 19 रन यहां पर भिवंडी की टीम टॉस के लिए तैयार रहे। और इस बार कट लगी, वहां पर फील्डर मौजूद, एक रन से ज्यादा नहीं लेंगे। और इसी तरह इस गेम की समाप्ति के साथ थाना पाटीदार ने 17 रन से